कि पूर्णिया की जनता, सीमांचल कोसी की जनता को मैं भगवान ईश्वर की तरह ही हमारे लिए वंदनीय हूं और उसके रेस्पेक्ट के साथ किसी भी व्यवस्था को खिलवाड़ करने नहीं देगा, चाहे मैं मिट जाऊं। हर गरीबों के आंसू पोंछने का संकल्प है मेरा। हमें गरीबी और गरीब शब्द को खत्म करने का हमने इस प्रणाम पूर्णिया यात्रा से संकल्प लिया है कि हमारा काम हर घर के साथ न्याय, हर घर के सरकारी माफियाओं से, इंस्पेक्टर राज से आजादी, दलालों से आजादी, माफियाओं से आजादी। सबसे पहले मैं समझता हूं कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, ये जो एक यात्रा थी, ये यात्रा थी गांव के माँ बहनों बच्चे और बुजुर्ग से। एक परिवार का जो रिश्ता था उसको मजबूत करने का जो गैप था, लोग अपने बेटे से मिलना चाहते थे, अपने बेटे को देखना चाहते थे और हमें भी अपने बुजुर्गों से, अपने माँ से, अपने बच्चों से एक सकारात्मक ऊर्जा इस 22 दिन में मिला। प्रत्येक दिन 50 से 60 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के लगभग, 10 लाख लोगों से लगभग हमारा इंटरेक्शन हुआ, लगभग 10 लाख मिले मोटरसाइकिल यात्रा, रात सुबह दिन, मतलब 2 घंटा क्योंकि 2 घंटे भी इसीलिए हम आराम करने चले जाते थे कि लोग सो जाते थे, तो इस 22 दिन में 2 घंटे हम पब्लिक से सिर्फ अलग रहे, 21 घंटा हम लोगों के साथ। बांसर से जलालगढ़ जाने में हमको 13 घंटा लगा, जलालगढ़ से कस्बा आने में हमको 11 घंटा लगा, कस्बा से पूर्णिया आने में हमको 11 घंटा लगा, मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक सैलाब। ये जो लोग सीमांचल को, जाति कोसी को जाति धर्म के रूप में, हिंदू मुसलमान के रूप में बांटना चाहते थे, क्या बिल्कुल सीमांचल को विकास के परिदृश्य से हटा दिया गया था, आम आदमी की जरूरत को से हटा दिया गया। दो ही सब्जेक्ट इस कोसी सीमांचल में रख दिया गया था, हिंदू मुसलमान और जाति, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति। उस नफरत को, उस रास्ते को खत्म करने के लिए प्रणाम पूर्णिया एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना।
और लोगों के साथ एक माँ और बेटे का खून का मिट्टी का रिश्ता। इसको मैंने भी महसूस किया, लोगों ने भी महसूस किया। इस 10 लाख में हम 6 लाख महिलाओं से मिले हूं। महिलाओं का रेस्पेक्ट, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद हमें ज्यादा प्राप्त हुआ। किसी भी जाति धर्म वर्ग की महिलाएं हमसे मिली, हम उनसे मिले और उनका वात्सल प्रेम हमको मिला। माँ का जो रियल प्रेम होता है वो मैं मुझे देखने को मिला। 22 दिन की ये यात्रा इतिहास साबित होगी। 2 दिन 16-17 पूर्णिया है, चूंकि सरस्वती पूजा था इसीलिए 2 दिन यात्रा को रोका गया। पूर्णिया महारैली, प्रणाम महारैली जो पूर्णिया की 3 मार्च को रखी गई थी, चूंकि 1 से 3 किशनगंज में एक इस्तमा बड़े लेवल पर रखा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 7 तारीख को, 8 तारीख को शिवरात्रि है और फिर 11 तारीख से रमजान है, तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए रैली को 3 के बदले 9 तारीख कर दिया गया है, 9 मार्च। और आने वाले समय में कोसी सीमांचल को, सीमांचल को, पूर्णिया को भारत के मानचित्र में बेंगलोर महाराष्ट्र के तर्ज पर किसी भी कीमत पर रखना, हर कीमत पे, हर परिस्थितियों में, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए 9 मार्च जो होगा वो आजादी की, समझ लीजिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जो संकल्प मेरा हर घर घर बिजली को लेकर के था, आम आदमी के राज को लेकर के था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस यात्रा ने मेरे विश्वास को बढ़ाया है और मैं वचन देता हूं आपको, पूर्णिया की जनता, सीमांचल कोसी की जनता को मैं भगवान ईश्वर की तरह ही हमारे लिए वंदनीय हूं और उसके रेस्पेक्ट के साथ किसी भी व्यवस्था को खिलवाड़ करने नहीं देगा, चाहे मैं मिट जाऊं। हर गरीबों के आंसू पोंछने का संकल्प है मेरा, अंत में पूर्णिया हर कीमत पे मेरी जिंदगी, चाहे राजनीति करो न करो, पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी जीवन का हिस्सा है। कोसी सीमांचल मेरे जीवन की आजादी,
के बारे में हो या किसी के बारे में, जनता तय करेगी, उसमें पप्पू यादव की कोई भूमिका नहीं। मैं नीतीश कुमार जी से चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ करके, मेरा रिक्वेस्ट है, विशेष राज ले लें। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे 3 महीना के बाद। अभी से बोलना शुरू कर दिए हैं कि बिहार के एक डिप्टी से मेरा संकल्प है भाजपा की सरकार बनाने का, तो नीतीश जी को ये समझ लेना चाहिए कि या गठबंधन या उम्मीद आपसे सिर्फ इसीलिए लोगों ने किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।